जी नमस्कार। नमस्कार बच्चों, राज्य स्तरीय ऑनलाइन क्लास के अंतर्गत पढ़े तुम्हारे द्वार में आज हम कक्षा छठवीं का पाठ 7 सजीवों के लक्षण एवं वर्गीकरण पढ़ेंगे। अपना परिचय दें। मैं हूं ममता शर्मा, शासकीय पूर्व माध्यमिक शाला परसदा अभनपुर रायपुर से। तो बच्चों, आपने आसपास अनेक वस्तुएं देखी है जिसमें पेड़ पौधे, मनुष्य, जीव जंतु, ये सब सजीव हैं। आप इन्हें सजीव क्यों कहते हैं? क्योंकि ये सांस लेते हैं, चलते हैं, फिरते हैं। तो आज हम हमारे पाठ के अंतर्गत सजीवों के लक्षण एवं वर्गीकरण में इसी सभी के विषय में पढ़ेंगे। तो बच्चों, सजीवों के लक्षण किस आधार पर हम कहते हैं कि सजीव है? तो सबसे पहली बात तो सजीवों में श्वसन होता है। श्वसन यानी कि सांस लेना, जिसमें हम ऑक्सीजन लेते हैं यानी ग्रहण करते हैं तथा कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं, जिसे हम श्वासोच्छ्वास की क्रिया भी कहते हैं। तो इस आधार पर भी हम वो कहते हैं कि ये सजीव। दूसरा आधार है, दूसरे लक्षण है कि सजीवों में पोषण होता है। सजीवों में पोषण के अंतर्गत कि जंतु अपना भोजन या तो पेड़ पौधों से या जंतुओं को खाकर प्राप्त करते, अतः सजीवों में पोषण होता है। यानी हम बिना भोजन के भी एक दिन भी नहीं रह सकते। उसी तरह पेड़ पौधे भी प्रकाश संश्लेषण की क्रिया के द्वारा अपना भोजन पकाते हैं, यानी वो भी सजीव है। यानी जंतु अपना भोजन पेड़ पौधों से या अन्य जंतुओं को खाकर प्राप्त करते हैं, तो इसे हम क्या कहते हैं कि सजीवों में पोषण है। तीसरा है कि सजीवों में उत्सर्जन होता है। अब आपको पहले मैं उत्सर्जन का अर्थ समझाती हूँ कि उत्सर्जन यानी व्यक्ति ने कुछ भी खाया तो वो उसी के अंदर में, उसके पेट के अंदर ही तो नहीं रहेगा ना, वो किसी न किसी माध्यम से उसके अंदर में, पेट के अंदर में, यानी हमारे शरीर के अंदर में बहुत सारी क्रिया होती है जिसके द्वारा खून बनता है और मलमूत्र आदि बनते हैं। तो हम अच्छी चीजों को, यानी हम अपने रक्त को अंदर में रख लेते हैं और जो उत्सर्जित करने के पदार्थ है, अपशिष्ट है, उसे हम शरीर से बाहर निकालते हैं। तो ये जो शरीर से बाहर निकालने की क्रिया है यानी उत्सर्जन होता है। तो उसी तरह पेड़ पौधे भी, यानी कि जो पेड़ पौधों से हमें गोन प्राप्त होता है, तो गोन उनका पेड़ पौधों का अपशिष्ट पदार्थ है। रबर, रबर का जो दूध निकलता है जिससे कि रबर बनता है, पेड़ पौधों से मिलता है, तो ये पेड़ पौधों का उत्सर्जित पदार्थ है। तो यानी सजीवों में उत्सर्जन होता है। हम सजीव यानी इसके अंतर्गत हम किसके किसके विषय में पढ़ रहे हैं? पेड़ पौधे, जीव जंतु, मनुष्य, इन सभी के विषय में, क्योंकि ये सब सजीव हैं, तो इन्हीं के लक्षणों के विषय में पढ़ते हैं पढ़ रहे हैं। आगे हम चलते हैं कि सजीवों में गति होती है, यह भी एक लक्षण है। यानी सभी सजीव जंतु चलकर, उड़कर, तैरकर एक स्थान से दूसरे स्थान तक जाते हैं, इसे हम क्या कहते हैं? प्रचलन यानी गति। तो पेड़ पौधे एक स्थान पर खड़े रहते हैं, यानी आप सोच रहे होंगे कि पेड़ पौधे तो नहीं चल रहे, पर पेड़ पौधे भी चल रहे हैं, यानी कि पेड़ पौधे बढ़ रहे हैं। सूर्य के प्रकाश की दिशा में पेड़ पौधे गति करते हैं, और जो जड़े हैं वो पानी की खोज में निरंतर नीचे जाते रहते हैं, तो पेड़ पौधे भी गति करते हैं। परंतु यानी कि तना क्या होता है? प्रकाश की दिशा में, और जड़ उसकी विपरीत, यानी कि नीचे, पानी की खोज में नीचे जाती है, यानी पेड़ पौधे भी गति करते हैं। उसी तरह से पक्षी उड़ते हैं, एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाते हैं। मछलियां पानी के अंतर में एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाती है, यानी मछलियां यानी इस जंतु भी तैर, एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाना यानी क्या होता है? गति करना। यानी हर सजीव में गति होती है। अब हम इसके आगे के लक्षण पर जाते हैं। सजीवों में संवेदनशीलता होती है, यानी कि मानव शरीर में क्या होता है? आंख, नाक, जीभ, कान और त्वचा, ये सब क्या होते हैं? संवेदी अंग। संवेदी अंग यानी कि जैसे हम अगर मान लो हमें किसी कोई कांटा चुभता है तो हम तुरंत अपने हाथ को दूर कर लेते हैं, पैर को दूर कर लेते हैं, सिर में अगर कोई चीज टकराने वाली है या टकरा जाती तो हम तुरंत, तो ये क्या है? संवेदनशीलता कहलाती है। हम एक गाय को रोटी देकर आ आ करके बुलाते हैं तो गाय तुरंत उधर आ जाती है। मिठाई को देख करके हमारे जीभ में पानी आता है, ये भी एक संवेदनशीलता को प्रकट करती है ना। उसी तरह से पेड़ पौधों में जाओगे तो एक छुईमुई का पौधा होता है, जैसे ही जिसको छूते हैं तो वो क्या हो जाता है? उसकी पत्तियां मुड़ जाती,
थोड़े समय बाद में वो पत्तियां फिर से वैसी ही हो जाती है। चित्र में आप देख रहे होंगे ये छुई मुई का पौधा है, जब आप इसको स्पर्श करोगे तो ये पत्तियां मुड़ जाती है, यानी ये क्या बताती है कि ये स्पर्श के प्रति क्या है, संवेदनशील है। अब हम आगे चलते हैं कि सजीवों के लक्षण पर, कि सजीवों में वृद्धि होती है। आप एक छोटा सा पौधा लगाते हैं, कुछ समय बाद आप देखते हैं कि वो पौधा बड़ा हो रहा है। उसी तरह से आप नवजात शिशु यानी कि तुरंत पैदा हुए बच्चे को देखते हैं, कुछ समय बाद जब आपको देखते हैं तो वो घुटना चलने लगता है, कुछ समय बाद वो चलने लगता है, यानी क्या होता है कि सजीवों में वृद्धि होती। तो वृद्धि अर्थात बढ़न। हमने सभी सब प्राणियों के कई बच्चों की लंबाई का बढ़ना, पौधों का बढ़ना, जंतु का एक निश्चित आयु तक बढ़ना, जबकि पौधे क्या होते हैं, पूरे जीवन काल तक बढ़ते रहते हैं। मनुष्य तो एक उम्र के बाद में बढ़ना बंद हो जाता है, अगर मनुष्य निरंतर बढ़ते रहते तो क्या होता है, मनुष्य का जो वृद्धि करने का समय एक निश्चित होता है, परंतु पेड़ पौधे निरंतर अपने जीवन काल की अवधि तक के बढ़ते रहते हैं। अब हम सजीवों के लक्षण में आगे जाते हैं कि सभी कोशिकाओं से बने होते हैं, सजीव कोशिकाओं से बने होते हैं, यानी कि क्या होता है, कोशिकाएं प्रत्येक जंतु तथा पौधों का शरीर छोटी छोटी कोशिकाओं को का बना होता है। जैसे हम एक घर बनाते हैं तो हम बहुत सारी ईंटों को एक के साथ दूसरे के साथ जोड़ करके एक दीवार खड़ी करते हैं, उसी तरह हमारा शरीर होता है जो ईंटों की ही भांति, यानी जो ईंट है वो क्या है, कोशिका। हमारे शरीर की कोशिका क्या काम करती है, ईंट का, जिससे कि हमारा शरीर बना होता है। तो सभी सजीव कोशिकाओं के बने होते हैं। आठवां सजीवों का लक्षण है कि सजीवों में प्रजनन की क्रिया होती है, अर्थात सभी सजीव अपने ही समान जीवों को उत्पन्न करते हैं। गाय अपने ही समान बछड़े को उत्पन्न करती है, इसे ही हम क्या कहते हैं, प्रजनन कहते हैं। जैसे बिल्ली के द्वारा बिल्ली का बच्चा उत्पन्न होता है, मुर्गी अंडा देती है और उसी के जैसा उसमें से चूजा निकलता है, और जैसे आम के बीज से आम का पौधा उत्पन्न होता है, यानी बीज से नए पौधे उगना ही क्या कहलाएगा, प्रजनन कहलाएगा। तो सभी सजीवों में प्रजनन की क्रिया होती है। अब हम आगे बढ़ते हैं सजीवों के लक्षण में कि सजीवों का जीवन काल क्या होता है, निश्चित। तो सजीव पैदा होने के बाद एक निश्चय समय तक ही जीवित रहते हैं और उसके बाद में उनकी मृत्यु हो जाती है। इस समय को हम क्या कहते हैं, सजीवों का जीवन काल कहते हैं। तो विभिन्न जीवों का भी जीवन काल भिन्न भिन्न होता है, जैसे कि कछुआ 150 से 180 वर्ष की आयु जीता है, कुत्ता 10 से 15 वर्ष तक की आयु जीता है। तो इसी तरह से हर एक चींटी का भी जीवन काल निश्चित होता है, यानी कि वो एक निश्चित जीवन काल तक ही जीवित रहेगी। अब जो हमने पढ़ा बच्चों की सजीवों के लक्षण, उसके आधार पर कक्षा कार्य है कि उचित संबंध जोड़िए, वृद्धि प्रजनन पोषण उत्सर्जन और संवेदनशीलता, ये क्या है, सजीवों के लक्षण है। आपको बाजू में ख क्रम में आपको उसके उत्तर दिए गए हैं, उसे आपको जोड़ना है। सर इसे कराना है तो वृद्धि की जोड़ी किससे मिलेगी बच्चों, भोजन करना से बनेगा, हानिकारक पदार्थों का कि शरीर का आकार बढ़ना, वृद्धि यानी शरीर का आकार बढ़ना, प्रजनन यानी अपने समान जीव उत्पन्न करना, पोषण यानी कि शरीर का आकार यानी भोजन करना, उत्सर्जन यानी हानिकारक पदार्थों को शरीर से बाहर निकालना, संवेदनशीलता यानी कि धमाके को सुनकर चौंक जाना। अब निम्नलिखित लक्षणों को समझाइए। श्वसन क्रिया में हम क्या करते हैं बच्चों कि ऑक्सीजन को ग्रहण करते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर निकालते हैं, यानी स्वच्छ श्वास की क्रिया को हम क्या कहेंगे, श्वसन। दूसरा है ब उत्सर्जन, यानी जब हम भोजन करते हैं तो भोजन के अंदर में क्रिया होने के बाद में अपशिष्ट पदार्थ का भी निर्माण होता है, तो उन अपशिष्ट पदार्थों को शरीर से बाहर निकालना क्या क्रिया कहलाएगी, उत्सर्जन की क्रिया कहलाएगी। तीसरा है प्रजनन, जीवों के द्वारा अपने ही समान जीव की उत्पत्ति क्या कहलाती है, प्रजनन। अब हम आगे बढ़ते हैं
सजीवों में समानताएं। तो सभी सजीवों का शरीर कोशिकाओं का बना होता है, ये पहली समानता है। दूसरी समानता है कि सभी में जैविक क्रियाएं यानी प्रचलन, गति, वृद्धि, पोषण, श्वसन, परिसंचरण और प्रजनन आदि सभी क्रियाएं समान रूप से चलती है। और तीसरे का सभी का एक निश्चित जीवन चक्र है, यानी एक निश्चित जीवन अवधि तक ही सभी जीवित रहेंगे। अब सजीवों में कुछ समानता है तो कुछ विभिन्नताएं भी हैं कि स्थलीय जीव में प्रचलन का कार्य पैरों से होता है। तो बच्चों सभी सजीव धरती पर ही तो नहीं रहते ना, कुछ हवा में उड़ते हैं, कुछ आसमान में उड़ते हैं, कुछ पानी में रहते हैं और कुछ थल और जल दोनों में रहते हैं। तो सजीवों में इसी के आधार पर विभिन्नताएं होती हैं कि स्थलीय जीव में प्रचलन किसके द्वारा होता है, पैरों के द्वारा, और जलीय जीव में जैसे कि मछली में फिन्स के द्वारा मैंने प्रचलन होता है, और पक्षियों में एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाने की क्रिया किससे होती है, पंखों के द्वारा। अब हम आगे बढ़ते हैं सजीवों में पाए जाने वाली विविधताएं। तो बच्चों विविधताएं यानी सभी जीव एक ही आकार के तो है नहीं, एक चींटी के जैसा छोटा है तो दूसरा हाथी के जैसा बड़ा है, और हाथी से भी एक बड़ा जीव है ब्लू व्हेल, वो उसमें 50 हाथियों की ताकत होती है, वो संसार में सबसे बड़ा जीव है। और चींटी से भी छोटा एक जीव है जो कि हमको अपनी आंखों से नहीं दिखाई देता, जैसे कि वायरस जिसके द्वारा हम तरह तरह की बीमारियों से ग्रसित होते हैं। तो आकार में भी सजीवों में विविधता पाई जाती है, कोई एक इतना सूक्ष्म होता है कि हमारी आंखों से नहीं दिखता और कोई इतना बड़ा होता है कि उसमें 50 हाथियों की भी ताकत होती है। और सजीवों में विविधता है दूसरा आधार है भोजन में विविधता। भोजन में विविधता में हम ये पाएंगे कि जैसे कि सजीव में पेड़ पौधे हैं, कुछ पेड़ पौधे स्वयंपोषी होते हैं, जैसे मैंने पहले बताया कि पेड़ पौधे प्रकाश संश्लेषण के द्वारा अपना भोजन बनाते हैं, पर कुछ पेड़ पौधे ऐसे हैं जो कि अपने भोजन के लिए दूसरों पर निर्भर होते हैं। जैसे कि आप चित्र में देख रहे हो एक पीले कलर की बेल जिसे हम अमर बेल कहते हैं, यह जिस पेड़ पर चढ़ जाती है उस पेड़ के द्वारा बनाए भोजन को खुद ग्रहण करके बढ़ते रहती है। तो ये ऐसी जो बेल है, जो ऐसा जो पौधा है जिसे हम क्या कहेंगे, परपोषी कहेंगे। आप दूसरा देख रहे होंगे कि कुकुरमुत्ता, कुकुरमुत्ता एक ऐसा है ना कि परपोषी है, ये अपना भोजन सड़े गले जीव जंतु या पेड़ पौधों से प्राप्त करता है, तो ये अपना स्वयं का भोजन स्वयं नहीं बनाता, ये अपने भोजन के लिए दूसरों पर निर्भर होता है। और तीसरा है कलश पादप, आप देख रहे होंगे कलश पादप भी यानी स्वयंपोषी बोलते हैं, परंतु यह अपना भोजन कीटों को अपनी ओर आकर्षित करके उसे खाकर अपना भोजन प्राप्त करता है। तो इस तरह से भोजन में भी विविधता है। अब हम आगे बढ़ते हैं कि आवास के आधार पर विविधता। तो आवास के आधार पर हम सजीवों को तीन भागों में बांटे हैं। पहला है स्थलीय जंतु एवं पौधे, स्थल यानी कि धरती पर रहने वाले। तो जैसे कि मनुष्य है, गाय है, ये सब धरती पर रहते हैं। तो जैसे गाय यानी कि मनुष्य रहते हैं, उसी तरह पेड़ पौधे भी धरती पर उगते हैं, जैसे कि आम का पौधा, फूल के पौधे, ये सब जो धरती पर उगते हैं इसे हम क्या कहते हैं, स्थलीय जंतु एवं पौधे। और दूसरा है जलीय जंतु हैं पौधे, आप तालाब में देखते होंगे मछलियाँ होती हैं, सांप होते हैं, और कुछ पौधे भी उगते हैं पेड़ में, जैसे कि कमल, ये जल में ही उगता है, इसे हम अपने स्थल थल में नहीं लगा सकते। तो ऐसे पौधों को, ऐसे जीवों को हम क्या कहेंगे, जलीय जंतु एवं पौधे। और तीसरा है मरुस्थलीय जंतु एवं पौधे। आप चित्र में देख रहे होंगे जलीय जंतु एवं पौधों में कि मछलियां पानी में रहती है ना, और ये जलकुंभी ये तालाब में ही या नदियों में उगती है, और ये इसी में यानी जल में ही अपना जीवन पूरा व्यतीत करती है। कमल भी, तो ये क्या है, जलीय जंतु एवं पौधे। अब तीसरे में हम आते हैं मरुस्थलीय जंतु एवं पौधे। मरुस्थल में आपने देखे होंगे हमारे घोड़े नहीं दौड़ सकते, वहां पर ऊंट चलते हैं,
क्योंकि उनके पैर क्या होते हैं, गद्देदार होते हैं। मनुष्य तो सब जगह रह लेता है, परंतु जो कुछ प्राणी हैं वो अपने स्थल के अनुसार अपने आप को ढाल लेते हैं। तो ऊंट उसी तरह से, उसके पैर गद्देदार हैं, रेत में चलने के लिए उपयुक्त है। ये अपने पीठ में पानी को बहुत दिनों तक के स्टोर करके रख सकता है, यानी बिना पानी के ये वहां पर अधिक समय तक जीवित रह सकता है। उसी तरह मरुस्थल के पौधे भी है। तो मरुस्थल के पौधे क्या होते हैं, इनके तने मोटे होते हैं और इनके जो पत्तियां हैं वो कांटों का रूप ले लेती है, ताकि कम पानी में अपने जीवन को अधिक समय तक के जी सके। तो ऐसे जो जीव जंतु हैं उन्हें हम क्या कहते हैं, मरुस्थलीय जंतु एवं पौधे। अब हम आगे बढ़ते हैं कि आखिर हमें वर्गीकरण की आवश्यकता क्यों पड़ी। तो अध्ययन के लिए विभिन्न प्रकार के जीव हैं जिनकी संरचना विभिन्न भिन्न है, तो इन सभी जीवों को अलग अलग अध्ययन करने के लिए हमें क्या करें, वर्गीकरण की आवश्यकता हो। तो हमने पौधों को, सजीवों का वर्गीकरण दो भागों में किया, पौधों में और जंतुओं में। और पौधों को भी हमने बांट दिया कि उनकी आकार में, तने की प्रकृति में और उनके जीवन की अवधि में हमने पेड़ पौधों को भी वर्गीकृत कर दिया। तो सबसे पहला है उसमें साग। साग आप जैसे नाम से ही समझ रहे होंगे कि जैसे हम लोग मेथी भाजी खरीदते हैं, लाल भाजी खरीदते हैं, इनका तना कितना पतला होता है, आसानी से टूट जाता है ना, तो इन्हें हम साग कहते हैं। और ये भी किसमें आते हैं, पौधों में आते हैं। और इनकी जो प्रकृति होती है वो बहुत ही हरा, इनका जो तना होता है एकदम मुलायम होता है ना। और इनका जीवन काल एक वर्ष से अधिक का नहीं होता। अब आप साग के अंदर में सब्जियों को ही नहीं, हम इसमें अपनी फसलों को भी डाल सकते हैं, जैसे धनिया, धान, गेहूं, ये सब जो किसके अंतर्गत आएंगे, साग के अंतर्गत। दूसरा आप चित्र में देख रहे होंगे झाड़ी, झाड़ी जिसमें बेसरम का पौधा भी आता है, ये बेर भी आता है इसके अंदर में। और इनकी अवधि होती है जीवन काल की एक वर्ष से दो वर्ष या बहुवर्षीय भी कह सकते हैं। तो इसके अंदर में क्या क्या आते हैं, बेसरम के पौधे जिनके तने साग की अपेक्षा थोड़े मोटे होते हैं, और इनमें क्या होता है, इनके तने थोड़े एक लिमिटेड हाइट तक बढ़ेंगे, तो ऐसे को हम क्या कहते हैं, झाड़ी। तीसरे हम आते हैं वृक्ष पर। वृक्ष का तना मोटा और इसका तना मजबूत होता है और ये सख्त भी होता है। और वृक्ष ना बहुत हाइट तक के ऊपर तक जाते हैं और ये बहुवर्षीय होते हैं, जैसे कि आम का पौधा, इमली का पौधा, बरगद का पेड़, ये सब किसके अंतर्गत में आते हैं, वृक्ष के अंदर में आते हैं। अब हम आते हैं बेल या लता पे, जिसको हम कहते हैं कि क्रीपर, इंग्लिश में क्रीपर कहते हैं, और इसको कहते हैं रेंगने वाले, जो जैसे थोड़ा सा भी आधार मिलने पर ये ऊपर चढ़ जाते हैं, जैसे कुम्हड़े की बेल हो गई, मनी प्लांट हो गया। इसकी तना लंबा होता है पर कमजोर होता है, ये भी एक वर्षीय या बहुवर्षीय हो सकते हैं। तो हमने ये अभी पढ़ा कि पौधों का वर्गीकरण, जिसको हमने कितने भागों में बांटा, चार भागों में, साग, झाड़ी, वृक्ष, बेल या लता। अब हम आगे बढ़ते हैं कक्षा कार्य के ओर। कक्षा कार्य में अभी आपको इसमें जो अभी तक के हमने पढ़ा उसके जोड़ी मिलाते हैं। अमर बेल, हमने आपको कहा था कि स्वयं पोषी, पर पोषी और मृतोपजीवी। हाँ, आप चैट बॉक्स के अंदर भी इसका उत्तर दे सकते हैं, जो भी चाहे। मैं सर इसको तो आपको यहाँ बाजू में जोड़ना है कि शाकाहारी, जलीय, मृतोपजीवी और परजीवी। तो सबसे पहले हम आते हैं अमर बेल। अमर बेल के विषय में मैंने आपको क्या बताया था कि अमर बेल स्वयं पोषी नहीं, ये जिस पेड़ पर चढ़ती है उस पे बनाए हुए भोजन को स्वयं ग्रहण कर लेती है, यानी कि क्या हुई, परजीवी। कुकुरमुत्ता, ये क्या होता है कि अपना भोजन स्वयं नहीं बनाता, ये दूसरों पर निर्भर, यानी सड़े गले पदार्थों पर, तो इसकी जोड़ी किससे बनेगी, मृतोपजीवी पर। तीसरा जलकुंभी, मैंने आपको बताया था कि जल
ये किसमें रहती है? तालाब अगर में आपने देखा होगा तो ये क्या है? जिद्दी। और खरगोश ये क्या है? शाकाहारी, क्योंकि ये घास ही खाता है। तो इस तरह से हमने ये जोड़ी मिलाई। अब हम आगे बढ़ते हैं। अभी हमने पढ़ा था पौधों का वर्गीकरण, अब हम पढ़ते हैं जंतुओं का वर्गीकरण। तो जिस तरह से पौधों का वर्गीकरण हमने उसके तने और उसकी मोटाई के आधार पर किया, उसी तरह हम जंतुओं का वर्गीकरण करते हैं कि उसमें रीढ़ की हड्डी है या नहीं। तो जिसमें रीढ़ की हड्डी होती है उसे हम कशेरुकी कहते हैं, और जिसमें रीढ़ की हड्डी नहीं होती उसे हम अकशेरुकी कहते हैं। तो बच्चों आपने देखा होगा हमारे सिर के नीचे एक लंबी हड्डी है जो हमारी कमर तक जाती है, जिसे हम क्या कहते हैं? रीढ़ की हड्डी कहते हैं, और मेरुदंड कहते हैं, और इसे कशेरुक दंड भी कहते हैं। तो इसके आधार पर वो व्यक्ति क्या है? कशेरुकी है। दूसरा एक और बात है कि जिस जंतु के अगली और पिछली टांगे होती हैं उसमें भी मेरुदंड पाया जाता है, यानी वो जीव भी क्या हुआ? कशेरुकी हुआ। और तीसरा जिस जंतु की पूंछ होती है और क्या होता है उसके कहीं किसी भी अंग में हड्डी पाई जाती है तो वह जीव भी क्या कहलाएगा? वह जंतु भी क्या कहलाएगा? कशेरुकी कहलाएगा। नहीं। और जिन जंतुओं के शरीर में किसी भी भाग में हड्डी पाई जाती है, जैसे कि छिपकली, मछली, पक्षी, ये सब भी कशेरुकी के अंतर्गत आए, तो हम इसकी परिभाषा कैसे करेंगे कि जिनमें रीढ़ की हड्डी होती है, अगली व पिछली टांगे होती हैं, या शरीर के किसी भी हिस्से में हड्डी होती है, उन्हें हम क्या कहते हैं? कशेरुकी जंतु कहते हैं, जैसे कि मेंढक और मानव। अब हम आगे बढ़ते हैं अकशेरुकी पे। अकशेरुकी मैंने जिन जंतुओं का शरीर गोल खंडों में बटा होता है उनमें कशेरुक दंड नहीं होता, तो ऐसे जंतुओं को हम क्या कहेंगे? अकशेरुकी जंतु कहते हैं, जिसके अंदर में रीढ़ की हड्डी नहीं पाई जाती, कहीं किसी भी अंग में हड्डी नहीं पाई जाती, तो ऐसे जीव जंतु को हम क्या कहेंगे? अकशेरुकी। जैसे कि केचुआ और जो, केचुए को आपने देखा होगा कि जब उठाते हैं तो वो पूरा लटक जाता है, यानी उसके अंदर में एक भी हड्डी नहीं होती, तो वो जीव जंतु क्या कहलाएंगे? अकशेरुकी। अब हम आगे बढ़ते हैं कि जीवधारियों के वैज्ञानिक नाम। अब आप बोल रहे हो कि जीवधारी को वैज्ञानिक नाम रखने की आवश्यकता क्यों पड़ी? तो इसकी आवश्यकता इसलिए पड़ी कि वैज्ञानिक अध्ययन के लिए सारे संसार में किसी भी जीवधारी के लिए एक ही नाम होना आवश्यक। तो इसलिए स्वीडन के एक वैज्ञानिक है कैरोलस लिनियस ने एक ऐसा नियम बनाया जिसमें कि प्रत्येक जीवधारी को एक वैज्ञानिक नाम दिया गया। तो वैज्ञानिक नाम के दो भाग होते हैं। पहला नाम होता है उसके वंश के आधार पर, जिसे हम कहते हैं जीन, जीनस, और दूसरा उसका जाति के आधार पर, जिसे हम कहते हैं स्पीसीज। नीचे में एक आपको उदाहरण दिख रहे होंगे, जैसे कि आम को हम वैज्ञानिक नाम क्या होगा उसका? मैंगी फेरा इंडिका। तो उसमें उसका वंश है मैंगी फेरा और उसकी स्पीसीज यानी उसकी जाति है इंडिका, तो ये दोनों को मिलकर उसका वैज्ञानिक नाम पड़ा मैंगी फेरा इंडिका। दूसरा है तेंदुआ, जिसे जिसकी वंश है पैंथरा और उसकी जाति है पार्डस, इस तरह उसका वैज्ञानिक नाम पड़ा पैंथरा पार्डस। तीसरा है बाघ, वो कौन सी जाति का है, कौन से वंश का है? पैंथरा वंश का, और उसकी जाति है टाइग्रिस, इसलिए उसका वैज्ञानिक नाम पड़ा पैंथरा टाइग्रिस। चौथा है मेंढक, जिसका वंश है राना, उसकी जाति है टिग्रिना, इस तरह उसका वैज्ञानिक नाम पड़ा राना टिग्रिना। तो वैज्ञानिक नाम से कभी भी कोई भी किसी भी कंट्री का व्यक्ति उसे इस वैज्ञानिक नाम से पहचान सकता है, क्योंकि हम अलग अलग भाषा में उन्हें अलग अलग नामों से पुकारते हैं, पर वैज्ञानिक नाम हमें उनकी क्या बोलते हैं, पढ़ाई करने में, उसकी स्टडी करने में मदद करता है, इसलिए वैज्ञानिक नाम रखने की आवश्यकता पड़ी।
अब ग्रह कार्य है, इसको पहले करा चुके कैसे हो गए? हाँ, इसके लास्ट में कक्षा का वो ग्रह कार्य ये तो आखिरी हो गया ना, इसमें आप कुछ नहीं नहीं इसमें 14 है यही सब तो 14 हाँ ग्रह कार्य ये तो हाँ दे दूँ। अभी तो बच्चों अब आप पूरा जो पाठ पढ़े हैं जिसका नाम है सजीवों के लक्षण एवं वर्गीकरण, इसके आधार पर मैं आपको दो प्रश्न देती हूँ जिसे आप हल कीजिएगा कि पौधों और जंतुओं के चार चार महत्व होते हैं। इसके अंतर्गत आपको उनके महत्व यानी वो कितने उपयोगी हैं, उनकी हमें आवश्यकता क्यों है ये बताना है। और दूसरा प्रश्न है पौधों को देखकर यानी आप जब बाहर घूमने जाते हैं तो उन्हें देख करके यह पता लगाएं कि कौन साग है, कौन झाड़ी है और कौन बेल है, और उनके दो दो उदाहरण लिखिए। अभी कौन सा तो 26 हुआ है, 35 है ना, लगभग 10 मिनट और हो सकता है। मैं इनको हल करा दूँ सामान्य लगता है जैसे तो बच्चों पौधों का महत्व मैं बताती हूँ कि पौधों का महत्व हम कैसे जान सकते हैं कि पौधे हमारे लिए क्यों उपयोगी हैं। तो पहले कि आप जानिए कि हम पौधों से क्या क्या प्राप्त करते हैं। भोजन प्राप्त करते हैं यानी अन्न प्राप्त करते हैं, जैसे कि गेहूं का पौधा, मक्के का पौधा, दाल का पौधा, गन्ने से हमको शक्कर प्राप्त होती है, और तेल जैसे कि सोयाबीन से हमको तेल मिलता है, मूंगफली से तेल मिलता है। इस तरह से क्या है, पौधे भी हमारे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है यानी उपयोगी है। और दूसरा है कि मसालों के रूप में मसाले भी हमको पौधों से ही प्राप्त होते हैं, जैसे कि धनिया, धनिया, मिर्ची है ना, काली मिर्च, हल्दी, ये सब हमको पौधों से प्राप्त होता है ना। तो मसालों के रूप में भी हमारे पौधे बहुत अधिक उपयोगी हैं, है ना। और दूसरा पौधों से हमको ईंधन भी प्राप्त होता है, लकड़ी मिलती है, हमारे घर में फर्नीचर बनाने के लिए लकड़ी प्राप्त होती है, तो पौधे इसलिए भी उपयोगी हैं। अब जूट से रेशे, जूट का जो रेशा है वो हमको पौधों से ही प्राप्त होता है, जिससे बोरे बनते हैं, है ना। तो पौधे हमारे जीवन में बहुत ही महत्वपूर्ण है। कागज, हमें बांस से कागज प्राप्त होता है। और उद्योग धंधे के लिए भी, जैसे कि रबर, मैंने आपको बताया था कि पौधों का अपशिष्ट है रबर, रबर भी हमारे लिए बहुत ही उपयोगी है। रबर मिटाने से लेकर के हमारे बहुत सारे कार्यों में, इंडस्ट्रीज में, उद्योग धंधों में इसका बहुत ही अधिक उपयोग है। और पर्यावरण की शुद्धि के लिए कहते हैं ना कि एक पौधा, एक पेड़ 100 पुत्रों के समान है, क्योंकि वो अपने जीवन काल में हमें बहुत ऑक्सीजन देता है और बहुत सारी कार्बन डाइऑक्साइड को अपने अंदर में ग्रहण करके हमारे पर्यावरण को शुद्ध करता है। और तेल के रूप में मैंने बताया ना आपको, मूंगफली का तेल, सोयाबीन का तेल, हमारे जो धान होता है उसका जो कूढ़ा निकलता है, चावल अलग होने के बाद में जो उसका कूढ़ा निकलता है उससे भी तेल प्राप्त होता है। तो इस तरह से कूड़े के रूप को जो तेल बनता है वो भी हमारे हार्ट के लिए, हमारे दिल के लिए बहुत ही अच्छा होता है। तो इस तरह से पौधों का महत्व है, खाद्य के रूप में, मसालों के रूप में, औषधि के रूप में, जैसे तुलसी का पौधा, नीम का पौधा, ये हमारे लिए बहुत ही उपयोगी होता है। पेय पदार्थों के रूप में चाय पत्ती, कॉफी हमको किससे मिलती है, पेड़ पौधों से मिलती है। तो इस तरह से पेड़ पौधों का हमारे जीवन में, दैनिक जीवन में बहुत ही उपयोगी है। अब हम आते हैं जंतुओं के महत्व। आपने कई बार जब आप ज्योग्राफी चैनल देखते हैं, नेशनल ज्योग्राफी चैनल, तो एक मगरमच्छ के ऊपर एक बगुला बैठा होता है, बताओ बगुला को क्यों नहीं खाता? वो बगले को इसलिए नहीं खाता कि जब मगरमच्छ किसी प्राणी का शिकार करता है तो उसके दांतों में बहुत सारे मांस के टुकड़े अटक जाते हैं। अब मगरमच्छ के हाथ तो है नहीं कि जो अपने दांतों से उस मांस के टुकड़े को निकाले, तो क्या करता है मगरमच्छ, अपने दोनों मुंह को, दोनों जबड़ों को खोल देता है,
और वो जो बगुला होता है उसके दांतों में, उसके दाढ़ों में फंसे हुए मांस के टुकड़े को निकालता है, जिससे मगरमच्छ को आराम मिलता है। और क्या होता है, उस बगुले का पेट भर जाता है। तो प्राणी एक दूसरे के लिए भी बहुत उपयोगी। उसी तरह आप भैंस के ऊपर में देखते होंगे कि बगुला बैठा हो। तो क्या होता है, ये जो जीव जंतु के ऊपर छोटे छोटे कीटाणु बैठते हैं वो उनको बहुत नुकसान करते हैं, परंतु उस दूसरे जीव के लिए वो भोजन का कार्य करते हैं, तो वो अपने ये जो लाभकारी है उस जीव को हानि नहीं पहुंचा। अब मैं दूसरा प्रयोग बताती हूँ कि जंतुओं का क्या महत्व है, कि खाद्य पदार्थ के रूप में जैसे कि हम लोग को दूध मिलता है गाय से, मछली, कई लोग क्या बोलते हैं मांसाहारी होते हैं वो मछली भी खाते हैं, गोश्त खाते हैं, मुर्गा, है ना। तो भोजन के रूप में, खाद्य पदार्थ के रूप में हमें दूध तो मिलता है, दूध से मक्खन बनता है, घी बनता है, कई लोग मछली को खाते हैं, कई लोग अंडे खाते हैं। तो इस तरह से खाद्य के लिए भी जंतु बहुत अधिक उपयोगी है। अब हम आते हैं यातायात के लिए। आप पहाड़ों पर जाइए, वहां पर आप चल तो नहीं पाएंगे, तो वहां पे घोड़े टट्टू जो रहते हैं वो हमारे परिवहन के काम में आते हैं, क्योंकि वहां गाड़ियां मोटर तो चल नहीं सकती। इसलिए जो जंतु है वो यातायात के लिए भी उपयोगी है। अब चमड़ा उद्योग के लिए, जब जीव जंतु मर जाते तो उनके जो चमड़े होते हैं वो भी बहुत अधिक काम आते हैं, जैसे कि उनसे क्या बनता है, चप्पल, अधिक चप्पल बनते हैं, उनके जो सींग है उनसे बटन बनते हैं, और बैग वगैरह बनते हैं। आप जो ठंड से बचने के लिए जो जरकिन पहनते हैं वो भी चमड़े से बनते हैं। और सबसे इम्पोर्टेंट बात कि जो जंतु है वो हमें ठंड के लिए ऊन भी देते हैं। एक मेरिनो नाम की जो बकरी होती है उसका जो बाल होता है वो इतना महीन और इतना गर्म होता है कि उसे शॉल, स्वेटर्स आदि बनते हैं, ऊन से भी स्वेटर्स बनते हैं जो पेड़ से प्राप्त होता है। इसलिए जंतु हमारे जीवन में बहुत मायने रखते हैं। और अब हम आते हैं कि मधुमक्खी के ऊपर। मधुमक्खी भी एक जीव जंतु है जिससे हमें शहद प्राप्त होता है, और उसके जो छत्ते से हमें मोम मिलता है। तो इस तरह से अब हमने जंतुओं से अपना क्यों महत्व ये पढ़ा कि खाद्य पदार्थ के रूप में, यातायात के लिए, चमड़ा उद्योग में ऊन प्राप्त होता है, और शहद और मोम भी हमें जीव जंतुओं से ही प्राप्त होते हैं। अब हमने इस पाठ में क्या क्या सीखा, तो हमारे चारों ओर अनेक वस्तुएं हैं जिन्हें हम सजीव और निर्जीव दो भागों में विभाजित करते हैं, है ना। सजीव हम उन्हें कहते हैं कि जो श्वसन करते हैं, भोजन यानी पोषण करते हैं, उत्सर्जन करते हैं, गति करते हैं, वृद्धि और प्रजनन करते हैं, और उनमें संवेदनशीलता, ये क्या है सजीव के लक्षण। अब हम आते हैं कि उनमें विविधता क्या है। तो आकार में विविधता है, और क्या है, जैसे कि आकार में विविधता में हमने पौधों को बांटा शाख में, झाड़ी में, वृक्ष में और बेल में, लता में। और आवास के आधार पर कि कोई कहाँ रह रहा है, कोई स्थल में रह रहा है पौधे और जंतु, कोई जल में रह रहे हैं पौधे और जंतु, और कोई कहाँ रह रहे हैं, मरुस्थल में रह रहे हैं। और फिर हमने जंतुओं को वर्गीकृत किया मेरुदंड यानी कशेरुकी और अकशेरुकी। कशेरुकी हम उनको कहते हैं जिनमें रीढ़ की हड्डी या कोई भी उनके शरीर में हड्डी पाई जाती है, तो ऐसे जीव जंतु को हम क्या कहते हैं, कशेरुकी। और जिनमें रीढ़ की हड्डी या कोई भी हड्डी नहीं पाई जाती ऐसे जीव को हम कहते हैं अकशेरुकी। और हमने जंतुओं को आवास और उनके भोजन की आदतों के आधार पर भी उनमें क्या देखी, विविधता देखी। और पौधों और जंतुओं के हमने वैज्ञानिक नाम पढ़े, और आपको मैंने यह भी बताया कि वैज्ञानिक नाम की आवश्यकता क्यों पड़ी, क्योंकि संसार में किसी भी स्थान पर उसे नाम से जाना जाए, क्योंकि हम विविध भाषाओं का प्रयोग करते हैं, अलग अलग भाषाओं में हम हर जंतु को अलग अलग नाम देते हैं, परंतु हमको अगर विज्ञान की पढ़ाई करनी है तो उसे एक वैज्ञानिक नाम के द्वारा जानना आसान हो और उसके विषय में पढ़ना आसान हो, इसलिए वैज्ञानिक नाम की आवश्यकता पड़ी। और हम क्यों जंतुओं और पौधों की आवश्यकता क्यों है, उनके महत्व की आवश्यकता, महत्व क्यों है, ये भी हमने पढ़ा।
और पशु क्या करते हैं, पशु भार ढोने तथा यातायात में हमारी सहायता करते हैं। इस तरह से हमने इस पाठ में सीखा। नमस्कार। तो बच्चों, जो मैंने आपको गृह कार्य दिया है उसे अपने आसपास से जानकर जरूर लिखिएगा। तो इस तरह हमारा ये पाठ यहाँ समाप्त होता है। धन्यवाद।